गाइस, जैसे कि हम लोगों की दादी की बरसी थी 28 को, पर हम लोगों ने 28 को नहीं की क्योंकि 28 को कोई आ भी नहीं सकता था। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग संडे को करेंगे। तो क्योंकि आपको पता है संडे को सब घर पे होते हैं, और हमारे जितने भी कजन्स वगैरह, पप्पू, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, तो वो लोग सब यही कह रहे थे कि आप लोग संडे वाले दिन करें तो हम लोग संडे वाले दिन ईजिली आ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने उनसे मशवरा करके तो हम लोगों ने संडे का दिन डिसाइड किया था। तो अभी हम लोग उठ चुके हैं, तो अभी हम लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं, तो अभी हम लोग आपको मिलते हैं कब्रिस्तान। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग अंदर जाएंगे। मम्मा पापा लोग तो पहले ही आ गए थे। आप लोगों को पता है मैं और सैम। गाइस, अभी बहुत दूर है दादी की कब्र, अभी हम लोग जा रहे हैं और मम्मा पापा तो पहले ही आ चुके थे, वो लोग उधर ही होंगे। अभी हम जाके आपको उनसे भी मिलवाते हैं। वो रहे मम्मा पापा और हम लोग आ चुके हैं मम्मा पापा के पास। ढूंढ ढूंढ के बहुत देर हो गई। ये सैम है, ये मैं हूँ, मम्मा फूल डाल रही है, मैं जाके दिखाती हूँ। गाइस, अभी हम लोग कब्र वॉश कर रहे हैं। पानी निकाल देना अंकल, सही से साफ करके देना। पापा वॉश कर रहे हैं। यहीं से निकल रहे पापा आप, यहीं से? हाँ, यहीं से जा रहे। नीम को चाहिए था ना एक रास्ता। गाइस, पानी नहीं निकल रहा, अभी पापा का जुगाड़ लगा रहे हैं कि पानी निकल जाए। देखा गाइस, पापा ने लगा लिया जुगाड़, अब निकल रहा पानी। पकड़िया आप भी तो डालो पानी। सारे उड़ गए, सारे तो नीचे उड़ गए। नीचे करके डालना, अब मैं उधर से जाके डालूंगी। पकड़ सैम। गाइस, सानिया और पापा अगरबत्ती लगा रहे हैं। हाय।
यार तू चुप हो जा यार, कुछ नहीं होता, सबने जाने है एक ना एक दिन, हमने भी जाने है, सबने जाने है, कोई बात नहीं। गाइस एम बहुत ज़्यादा रो रही है और बिल्कुल भी चुप नहीं कर रही है। इसको मैं इतनी देर से चुप करा रही हूँ लेकिन ना ये रो रही है। और मम्मा पापा लोग दादे की कब्र पे गए हुए हैं, वो लोग वहाँ पे हमारा वेट कर रहे होंगे, लेकिन सैम का दिल नहीं कर रहा है यहाँ से जाना। देखें अभी हम लोग अपने दादा की कब्र पे आ चुके हैं और फ्लावर्स हम डाल चुके हैं, वॉश भी कर लिए, और ये भी पापा किसी और की कब्र पे भी अगरबत्तियाँ जला रहे हैं, मम्मा खड़ी हुई हैं। सैम बस अभी हम लोग घर पे जाएंगे, हम लोगों ने घर पे जाके रेडी भी होना है, नहाना भी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कब्रिस्तान से जाके नहाना तो मस्त पड़ता है। तो अभी हम लोग जाके नहाएंगे सब और फिर दुआ के लिए रेडी होंगे। मुझे तो अगले सब मेहमान आ चुके होंगे, अभी जाते हैं तो फिर पता चलेगा क्या हुआ। होते हैं उसको
अपनी होश नहीं होती, बस ये होता है कि जो आए उनको खुश रखें, तो इस वजह से। और अभी मतलब कि सब कुछ अच्छा हो गया, अभी खाना आया नहीं है, अभी खाना आएगा तो मैं आप लोगों को। अभी सब बैठे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरी सबसे बड़ी फुफ्फा हैं और ये सेकंड नंबर पे फुफ्फा है मेरी, और ये मेरी कज़न है, और ये मेरी पप्पो हैं सबसे छोटी, और ये मेरी सस्ता ने बताया है, और ये तो आपको गाइस पता ही है कि मेरी सिस्टर हैं, और ये हमारी बड़ी भाभी हैं, और ये इनके हस्बैंड हैं मेरे कज़न, और ये पप्पो के हस्बैंड हैं, और ये सबसे छोटी पप्पो जिनको मेरी तरह कहते हैं सब, क्या ये तुम्हारी तरह लगती हैं। गाइस खाना आ चुका। हेलो भाई। हाँ पापा। गाइस ये केविन के ताए हैं और सदा भाजी के जेठ, और ये मम्मा है, और ये सब बैठे हैं, मैं सब खाऊंगी। ये हमारे भाई हैं, मेरे फुप्पो के बेटे, ये राजा भाई की वाइफ है, सदा बाजी की जिठानी है, ये हमारी दोनों सिस्टर्स हैं, ये मेरे से बड़ी हैं, साइमा बाजी से छोटी हैं, और ये भी मैरिड है, इनकी एक बेटी है, और ये दोनों भी दादी की पिक्चर सही कर रही हैं। दिखाओ गाइस को, गाइस को भी दिखाओ। गाइस ये हमारी दादी हैं, इनका फेस किससे मिल रहा है? तानिया से या साइमा से? यार इन्होंने जीते जी सबका बहुत साथ दिया, और साइमा बाजी ने लास्ट टाइम में दादी को सबसे ज्यादा साइमा बाजी ने ही संभाला है। गाइस अभी खाना सबने खा लिया, अभी यहाँ पे लाइट का डिस्कस हो रहा है कि किसकी कितनी लाइट जाती है, और हमारे आधे मेहमान जा रहे हैं, आधे खड़े में बातें कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, गेट टुगेदर हो गया। और ये देखें गाइस एल्सा को, एल्सा अब्बू, साइबल खाना खाया, मजा आया। गाइस हमारे सब घर जा चुके हैं और अभी हम भी घर जाने को हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी दादी के लिए दुआ करें, और उनको भी दुआ में याद रखें कि खुदा उनको ठंडी जगह नसीब करे, आमीन। और उनके गुनाह भी खुदा माफ करे। और अभी हम लोग अपने घर पे जा रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, खाना भी आ गया था, और आप लोगों को हम लोगों ने दिखाया है, काफी टाइम के बाद सब मिले थे, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको भी हमारा ये व्लॉग बहुत अच्छा